लेबनान के हिजबुल्ला समूह ने एक बार फिर तब इसराइल की मुश्किलें बढ़ा दी जब लड़ाकों ने ड्रोन से गलील के सफद शहर के पास हमला किया। इस दौरान लड़ाकों ने एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए सीधा हमले का दावा किया। इससे बड़ी संख्या में इजरायली सेना के जवान हताहत हुए, जिससे इजरायली बलों को बड़ा झटका लगा है। समूह ने अपने बयान में बताया कि फिलोन बेस के 210वें डिवीजन के ब्रिगेड का मुख्यालय और उत्तरी क्षेत्र में इसके गोदामों पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। इस दौरान इजरायली अधिकारियों और सैनिकों को निशाना बनाकर अटैक किया गया, जिसमें हिजबुल्ला लड़ाकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस बीच इजरायली अखबार होरज ने बताया कि दक्षिणी लेबनान से लॉन्च किया गया एक ड्रोन सफद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे इलाके में आग लग गई। इससे एक दिन पहले समूह ने सफद के पास बेरिया बैरक में इजरायल के उत्तरी कमान के मुख्य वायु डिफेंस बेस पर कत्यूशा रॉकेट दागे थे, जो कि कफर जॉल घटना के जवाब में भी था। रॉकेट हमले के कारण सफद के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। शहर के आसपास और बेरिया जंगल में भीषण आग लग गई। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों के हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि दक्षिण लेबनान से कम 20 मिसाइलें दागी गईं। हिजबुल्ला समूह ने बयान जारी करते हुए बताया कि ये कार्रवाई दक्षिणी लेबनान के नबती के पास कफर जॉज शहर में इजरायली सेना के नरसंहार का बदला लेने के लिए की गई थी। ऐसा दावा है कि हिजबुल्ला ने महज 12 घंटों के अंदर ही सफद में इजरायली सैन्य ठिकानों पर 2 हमले किए। समूह ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला के हालिया हमले इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच हुए हैं। गौरतलब है कि इजरायली हवाई हमलों ने पहले लेबनान में घरों को निशाना बनाया था, जिससे व्यापक क्षति हुई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कफर जॉज पर इजरायली ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं हिजबुल्ला समूह ने उसी हमले में अपने 2 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए इजरायल को बुरे नतीजे भुगतने की भी चेतावनी दी थी। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने सीरिया में ईरान और हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विशेष बलों ने सीरिया में मेसाफ इलाके में ईरानी सेना की ओर से ऑपरेट एक हथियार सुविधा पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि इजरायल ने मिसाइलों की सप्लाई लाइन ही काट दी। दावा है कि जहां इजरायली बलों ने कार्रवाई की, वहां अंडरग्राउंड मिसाइलों का कारखाना है, जिसे इजरायल ने तबाह कर दिया है। अमेरिका और इजरायल के मुताबिक ये मिसाइल फैक्ट्री ईरान ने बनाई थी। इसके नष्ट होने से ईरान, सीरिया और हिजबुल्ला तीनों के लिए बड़ा झटका है। बताया जाता है कि इसमें मीडियम रेंज की सटीक मिसाइलों को निशाना बनाया जाता था। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायली सरकार ने इस बारे में चुप्पी साधी हुई है। सीरिया, ईरान और हिजबुल्ला की ओर से जवाबी कार्रवाई को भड़काने से बचने के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। हालांकि ईरान ने ऐसी रिपोर्टों का खंडन किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया कि एक करीबी सोर्स ने इन सब कहानियों को सीधे स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार किया है। सीरिया में दावा की गई जगह में कोई ईरानी सेना मौजूद नहीं थी, जबकि वो इलाका सीरियाई सेना की मौजूदगी वाला था। इसलिए बाद में किया गया दावा, यानी ईरानी सेना को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा या उन्हें पकड़ लेने वाला, पूरी तरह से झूठा है।